आज हम झोल मोमोज बनाने वाले हैं। इसके अंदर मेन तीन कंपोनेंट्स होंगे, एक झोल होगा, एक तरह का सूप होता है ये, और साथ में मोमोज होंगे, और साथ में मैंने बनाया चिली ऑयल। सबसे पहले मोमोज का आटा बना लेते हैं। उसके लिए मैदा, नमक और तेल को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और उसके बाद ल्यूकवॉर्म पानी के साथ एक सॉफ्ट डो बना लीजिए और इसको रेस्ट होने के लिए साइड में रख दीजिए। आप इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करें और इसको ढक के साइड में रखें जिससे कि ये सूखेगा नहीं। आप चाहें तो स्टफिंग के अंदर मशरूम्स, कॉर्न या फिर चीज़, पनीर, किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैंने मिक्स वेजिटेबल की स्टफिंग बनाई है। एक पैन के अंदर बटर ऑयल ले लीजिए जिससे कि आपका बटर जलेगा नहीं, और बटर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा मोमोज की स्टफिंग में। जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली को डालिए बटर और ऑयल के अंदर और पका लीजिए। उसके बाद एक चॉप करा हुआ प्याज डालें। आप सबको हाई फ्लेम पर सॉटे करना है जिससे कि वाटर इवेपोरेट हो जाएगा सब्जियों का। और उसके बाद आप डालें मशरूम, और मशरूम को भी हाई फ्लेम पे सॉटे कर लीजिए। उसके बाद मैंने कैरेट डाली, आप चाहे तो पनीर भी डाल सकते हैं। फिर मैंने कैप्सिकम का इस्तेमाल किया। मैंने कैप्सिकम का एक्सेस वाटर रिमूव करके यूज़ किया है जिससे कि हमारी वेजिटेबल्स जल्दी पक जाएँ। मसालों के अंदर मैंने डाला नमक, काली मिर्ची और रेड चिली पाउडर, और थोड़ी सी सोया सॉस भी डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर की स्लरी डाली है जिससे कि सब कुछ अच्छे से कम्बाइन हो जाए। हमारी स्टफिंग रेडी है। अब चलिए झोल बना लेते हैं। उसके लिए सोयाबीन को रोस्ट करा है, साथ में सेसमे सीड्स को रोस्ट किया है, और लास्ट में पीनट को रोस्ट किया है। इन तीनों चीज़ों को रोस्ट करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और थिकनेस प्रोवाइड होगी हमारी झोल के अंदर, और ये सब नटी फ्लेवर देंगे हमारे झोल को। चलिए अब हम झोल की ग्रेवी बना लेते हैं। गार्लिक ग्रीन चिली जिंजर लिया है और साथ में ड्राई रेड चिली, और इनको अच्छे से पका लीजिए आप, यानी आपको हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लेना है इनको। और मैं इसके अंदर जीरा और ब्लैक पेपर डालना भूल गया था तो मैंने साइड में डाल दिया है, वरना आप बिल्कुल स्टार्टिंग में तड़के के डालिएगा तो अच्छा टेस्ट आएगा और ज़्यादा। और उसके बाद मैंने हल्दी डाल दी इसके अंदर, और साथ में टमाटर, और टमाटर डालने के बाद आप नमक डाल दीजिए इसके अंदर, और साथ में धनिया की स्टेम्स, और उसके बाद पानी डालिए और इसको ढक के पका लीजिए। आप चाहें तो इसके अंदर देगी मिर्ची भी डाल सकते हैं जिससे कि अच्छा कलर आएगा। अब जब तक हमारा झोल पक रहा है, अपने मोमोज को आप शेप कर लीजिए। सबसे पहले एक लोई ले लीजिए, इसको बेलिए और इसके अंदर अपनी स्टफिंग डालिए, और अपने मोमोज को मन पसंदीदा शेप दे दीजिए। गुजिया वाली शेप देख सकते हैं, ट्रायंगल, जो काफ़ी इजी रहता है। और उसके बाद जैसे ही आपकी ग्रेवी पके, आप इसको पीस लीजिए। साथ में आप डालें इसके अंदर अपना सोयाबीन तिल और मूंगफली वाला मिक्सचर, और पानी डाल के आप इसकी एक स्मूथ ग्रेवी बना लीजिए, और पैन के अंदर इसको ट्रांसफ़र करें। आप साथ में खूब सारा पानी डाल दीजिए क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली रहती है। उसके बाद डालें आप इसके अंदर साथ में लेमन जूस, थोड़ी सी चीनी, सब कुछ बैलेंस करने के लिए, और नमक डाल दीजिए अगर कम है तो, और इसको आप पकने के लिए छोड़ दीजिए 5-10 मिनट के लिए जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। साथ में मोमोज को स्टीम होने के लिए रख दीजिए। अब चिली ऑयल बना लेते हैं। चिली ऑयल बनाने के लिए मैंने रेड चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है, साथ में गार्लिक का इस्तेमाल किया है, और साथ में थोड़ी शुगर और सॉल्ट और सोया सॉस का इस्तेमाल किया है। अब आधे कप तेल को आप गर्म कर लीजिए, इसके अंदर डालिएगा स्टार एनीस और साथ में सिनेमन स्टिक। जैसे ही गर्म हो अच्छे से, आप इसको ट्रांसफ़र करें अपने चिली वाले मिक्सर में, और इसके अंदर से खड़े मसाले रिमूव कर दीजिए। आपका चिली ऑयल रेडी है और आपका झोल भी अच्छे से पक चुका है। तो चलिए प्लेटिंग करते हैं। मोमोज भी स्टीम हो चुके हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद आप सबसे पहले मोमोज़ को डालें प्लेट के ऊपर, और उसके ऊपर डालें झोल, ऊपर से चिली ऑयल, ऊपर से खूब सारा धनिया डाल दीजिए और सर्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।